हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी के महीने में आप लोगों को इस व्यक्ति का साथ छोड़ देना है। दोस्तों, अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे रिलेटिव, कुछ ऐसे रिश्तेदार और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें अक्सर ऐन वक्त पर धोखा दे देते हैं, जो हम जिस पे हम बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं वही हमारे पीठ पीछे खंजर भोंक देते हैं। ऐसा आपके जीवन में भी एक व्यक्ति ज़रूर है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अक्सर लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कई सफलता नहीं मिलती है, हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही हैं, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, पैसे आते भी हैं रहते नहीं हैं, हमारे काम धंधा ठप पड़ गए हैं, नए काम धंधा जो शुरू भी किया है उनमें भी अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, नौकरी में भी बहुत समस्याएं हैं, प्रेम जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। और कई सारे ऐसे भी जातक हैं जिनकी तो नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोज़गारी उन लोगों को बहुत परेशान कर रही है, पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता आ रही है, लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इसके पीछे का कारण क्या है। इस प्रकार के कई सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन सभी जितने भी यह तरीके के सवाल हैं उन सवालों का सटीक जवाब आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के जीवन को अनुकूल और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। जो आपके ग्रह स्थितियां हैं वह काफ़ी अच्छी चल रही हैं, काफ़ी कुशल मंगल चल रही हैं, ग्रहों के स्थितियों की वजह से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही है, बल्कि एक ऐसे इंसान की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है जो अक्सर आप लोगों के इर्द गिर्द ही होता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी में ही है, और वही आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। हम आपको उस व्यक्ति के नाम राशि के बारे में ज़रूर बताएंगे और आप लोगों के जीवन में ये जो परेशानियां चल रही हैं इसको किस प्रकार से दूर करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो बस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी कोई अच्छी जानकारी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली, माँ भद्रकाली मेरी रक्षा करो, मेरे कष्टों को दूर करो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा बहुत ही दयालु हैं और भक्तों के जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माँ का नाम लेता है उनके सभी कष्टों को माँ दूर कर देती हैं और उसका कोई बाल भी बाका नहीं करता। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उसके परिवार की रक्षा करती हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए, इतना रिसर्च से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और माता रानी का नाम, माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली, जय माँ दुर्गा, माँ मेरी रक्षा करो, मेरे कष्टों को दूर करो ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के साथ जुड़ जाइए, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा बल्कि आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाओगे और जो भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा वह सबसे पहले आप देखोगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं होगा कि जिस व्यक्ति पर आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जिस पर कि आप इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वह आपके मौके का फ़ायदा उठा रहा है, वह
आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, वह आप लोगों के जीवन में कष्टों का बीज बो रहा है, वह आप लोगों के साथ छल कपट कर रहा है। उस व्यक्ति की सच्चाई आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सकेगा और उस व्यक्ति का साथ आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद करता आ रहा है और आगे भी करेगा। इसलिए आपको उस व्यक्ति का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना है। अब बात करेंगे हम पूरी जानकारी डिटेल्स के साथ। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मित्रों दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से उनके साथ अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं, चाहे कोई परेशानी की बात हो, अच्छी बात हो, या कोई सीक्रेट बात हो, या फिर कोई व्यापारिक बात हो, व्यावसायिक बात हो, या आपके निजी जीवन से जुड़ी, करियर से जुड़ा, लव लाइफ से जुड़ा, या गुप्त संबंध से जुड़ा कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, पैसों से जुड़ी समस्या हो, आर्थिक तंगियों से जुड़ी समस्या हो, या आपके निजी जीवन में कोई खुशखबरी आई है, खुशखबरी चल रही है, वह बातें हो, वह सारे के सारे बातों को आप उनके साथ शेयर करते थे। और आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी सारी बातों को सुना देते हैं, परंतु कोई तीसरा व्यक्ति जिसे आपने बताया भी नहीं, वह व्यक्ति आपको बताता है कि आपके जीवन में यह चल रहा है, तो यह कैसे हो रहा है? जिसे आप सुना रहे हो वह कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति को सुनाता है, चौथे व्यक्ति को सुनाता है, तभी वह आपके सामने आपकी बातों को, आपके गुप्त रूप से जो बातें आपने किसी एक को बताया है, वह पूरे घर में या पूरे समाज में पता चल रही है। यह कैसे हो रहा है आपको बताना चाहेंगे। परंतु आपको बता दें कि इस महीने उस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उस व्यक्ति की सच्चाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर वह व्यक्ति जिस पे आप सबसे ज़्यादा यकीन करते थे, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपनी सारी बातों को बताते थे, अपने सारे रहस्य उनके साथ शेयर करते थे, वह व्यक्ति, वह इंसान आपके पीछे, आपके पीठ पीछे क्या कर रहा था? वह आपसे जलता है, वह आपकी निंदा करता है, वह आपकी तरक्की से जल रहा है, और वह आपसे क्या चाह रहा है, या वह आपसे क्या चाहता था, या वह आपको कौन सी स्थिति में देखना चाहता है, यह आपको पता चलेगा। मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप में एक खूबी है या आप में एक बुराई है, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अपने अनुसार देखिएगा, इसे आप जिस तरह समझना चाहें आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह परिवार का हो या कोई अपना हो, पराया हो, समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करें तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह इमोशनली तरीके से आपसे बात करें, अगर वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें या ब्लैकमेल करें, या फिर आप पर हावी होने की कोशिश करें, आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करें, आपके साथ अच्छी बातें करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी मुख पर आपको प्रशंसा करें और आपको बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में बताएं, तो आप उन्हीं की बातों पर सबसे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, उनके साथ आप इमोशनल हो जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि वही आपके लिए सबसे अच्छा इंसान है, वही आप लोगों की भलाई सोच रहा है, और आप भावनात्मक रूप से उन्हीं के रूप में आ जाते हैं, उन्हीं की बातों में फंस जाते हैं। वह कहते हैं ना, भेड़िया ने चाल चली और भेड़िया फंस चुका, वही आपके साथ होता है। और उन लोगों पर यकीन करके, उस व्यक्ति पर यकीन करके आप अपने जीवन की गुप्त रूप से रखी हुई बातों को, जिसे किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, वो भी आप भावनाओं में बहकर उनके साथ साझा कर जाते हैं। उनके साथ आप अपनी गुप्त रूप से रखी हुई बातों को भी बता देते हैं और खुद बाद में परेशान होने लगते हैं,
बाद में आपको महसूस होता है कि यह काम या यह बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या अक्सर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, क्या आप अक्सर ऐसा भावनाओं में बहकर नहीं बताते हो लोगों को बातें। ज़रूर बताइएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा। और उन्हीं की बातों को आप यकीन करके उन्हीं के बताए गए राह पर चलने लगते हैं, उन्हीं के बातों में आ जाते हैं, वह जो कहे आप उन्हीं पर यकीन कर लेते हैं और अपनी सारी की सारी बातों को उनके साथ, अपने सारे के सारे दुख तकलीफ़ों को उनके साथ, अपने जीवन की चल रही विभिन्न प्रकार की बातों को उनके साथ, आप कैसे कमाते हो, कैसे रहते हो, कैसे सोते हो, कैसे क्या करते हो, अपने दिनचर्या, अपनी ऑफिस की बातें, अपनी नौकरी की बातें, हर बात आप शेयर करने लगते हैं। जो आप लोगों के लिए अच्छी बात है या बुरी बात, यह आप खुद से डिसाइड करिए। आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये जो कर रहे हो यह अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। परंतु मैं अपने बताऊं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी और बहुत ही गंदी आदतें हैं, बहुत ही गंदी आदतें हैं। क्योंकि व्यवहार में आपको आपके जीवन में जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वह दूसरों के साथ, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करने में आपको अच्छा तो लगता है। जब आप शेयर करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं, मेरा नाम हो रहा है, मेरी इज्जत बढ़ रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है। और वही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा तरक्की में बाधा है। यह आप लोगों की बहुत ही गंदी और बुरी आदत है और आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी बुरी आदत है। इसे आप लोगों को छोड़ना होगा। वह सामने वाला व्यक्ति तो चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपके सारे भेद को ले लेता है, आपके सारे जो भी गुप्त रूप हैं वह उस व्यक्ति को आप बता देती हो। लेकिन जब उसकी बारी आती है, जब आपको जब कोई काम रहता है, तो आप जो है उससे काम नहीं निकालते हैं। वह आपसे तो काम निकलवा लेता है चिकनी चुपड़ी बातें करके, अगर कोई काम लेना हो तो काम निकलवा लेता है। लेकिन जब आप परेशानी में घिरे रहते हैं, जब आपको मदद की ज़रूरत होती है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बाद में अंगूठा दिखा देते हैं, बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं, बाद में आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, ना ही वो आपके साथ कुछ रिश्ते रखने का प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, समझिए आप अपने जीवन के बारे में कि आपकी अच्छी बातें हैं या बुरी। अक्सर आपने जो भी मुझसे कमेंट में पूछा, मैंने उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और यह भी आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अक्सर आपको ये बातें चुभ रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अब चलिए आपको अगली बातें बताएं। ऐसे में आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को इस आदत को छोड़ना होगा और भावनात्मक और इमोशनल हुए बिना, आपको इमोशनल और भावनात्मक परिवेश को छोड़कर अपने बुद्धि और विवेक का, अपने दिमाग का, जो भगवान ने, ईश्वर ने आपको जो दिमाग दिया है, उसका उपयोग करना है। और उसकी उपयोग करके आप जो है अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके अपने जीवन में उपयोग करिए। यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए कि आप लोगों के जीवन में अगर यह गंदी आदत जो है ये छूट जाएगी ना, तो आप हर कार्य में, आप लोगों के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य में आपको तरक्की मिलेगी, आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ये जो आप कहते हो ना कि धन नहीं आ रही है, धन आती भी है तो रुकती नहीं है, आप यकीन मानिए, केवल और केवल इस आदत को छोड़िए आप, या आपके जीवन में धन भी आएगा, तरक्की भी करोगे और इतनी तरक्की करोगे कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपका भेद लेना वो अलग इंसान होते हैं, आपकी मदद करना चाहेंगे। इसलिए आप लोगों को उस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करनी है और उनसे दूर हो जाना है।
अगली मैं बात करूँ तो आपकी अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आप अच्छा कार्य करो या बुरा कार्य, आप अगर कोई अच्छी भी कार्य करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, दूसरा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा आपकी बुराई चाहता है। आपकी अच्छाइयों में भी, जहाँ की 1% भी बुराई नहीं है, आपकी अच्छाई है, आपका नाम हो रहा है, वहाँ भी कोई ना कोई कमी आपको दिखा देगा, कोई ना कोई बड़ा तमाशा कर देगा, कोई ना कोई ऐसा बड़ा हमेशा ढूंढता रहेगा जिससे कि आपकी प्रशंसा ना हो, आपकी निंदा हो। अक्सर ऐसे घरों में होता ही है, आपके भी आसपास ज़रूर होगा कि आपके हर कार्य में कमी निकालेगा। अगर आप पैसे भी कमाते हो तो कहेगा ये 2 नंबर काम करता है, या कुछ और कहेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको बात सुनवाने की कोशिश करेगा। आपका जो नाम हो रहा है वो आपसे जलते हैं और वह आप लोगों के जीवन में बुराई चाहता है, ठीक है, तो आप समझिए। या फिर आप पर हक जताने की कोशिश करता है, या फिर आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी वह लगातार करते रहते हैं, आपको नीचा भी दिखाते हैं। ऐसे में बुरे व्यक्ति जो होते हैं वह आपको हमेशा नेगेटिव और थोड़ा सा असहाय भी आपको महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे मानो कि सब लोग उसके ही हों, आपके पक्ष में कोई ना खड़ा हो, सब लोग उसी के पक्ष में खड़े हों, ऐसा भी वो आपको महसूस करवाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन बुरे व्यक्तियों की पहचान करें, उन बुरे व्यक्तियों को आप किसी भी बातों पर, उनकी बातों पर यकीन ना करें। ये जो होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं कि जितना भी उन लोगों के लिए आप अच्छा काम कर लो, जितनी भी उन लोगों की मदद करना चाहो, जितनी भी उन लोगों के बारे में भलाई सोचो, फिर भी आप जितनी भी उनके बारे में अच्छाई करने का प्रयास करो, वे हमेशा आपको बुरी नज़रों से ही देखते हैं और हमेशा आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और जितने भी अच्छे कार्य कर लें, जितने भी आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर लें, उन सफलता में भी वह कोई ना कोई कमी को, कोई ना कोई ऐसी बातों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कि आप पर हमेशा उंगलियां उठें, जो आप पर हमेशा उंगलियां उठाते हैं और हमेशा आपकी गलतियों को ही गिनवाते हैं। तो ऐसे में आप भावनात्मक होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, आप बुद्धि का उपयोग करें, और स्वतः ही बुद्धि का उपयोग करने से वह व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोग जो है ना, उस व्यक्ति की पहचान करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जब ऐसे व्यक्तियों की पहचान आप कर लोगे, और इस वीडियो को देखते ही से है आपको पता चल रहा होगा कि वो व्यक्ति कौन है, आपके माइंड में ज़रूर एक इंसान आ रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा। तो ऐसे में जो है ना, उस व्यक्ति से आप जितना हो सके दूर रहें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वह व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं, यस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वहीं यस करिए या ना करिए, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। माँ है ना, माँ सब ठीक कर देंगी, माँ दुर्गा है ना, वो सब ठीक कर देंगी। तो ऐसे में आप लोग उस व्यक्ति की पहचान करिए और उस व्यक्ति से आप दूर हो जाइए। वहीं लव लाइफ की बात करते हैं, अब चलिए थोड़ी सी लव लाइफ और आपके पारिवारिक जीवन में भी आ जाते हैं, धन दौलत के बारे में और व्यापार में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो यह वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपको बताना चाहेंगे कि लव लाइफ में भी आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साथी पर, जीवन संगनी पर, या फिर आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर अचानक से मन में संदेह उत्पन्न कर लेते हैं, मन में डाउट हो जाता है कि कहीं वो आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, और कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है या दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के जीवन साथी का जो व्यवहार है वह कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति थोड़ा सा रूडली है। वो आपके साथ कभी अच्छी बातें करेंगे, कभी आपको बहुत चिल्ला के बात करेंगे, आप पे गुस्सा निकालेंगे, आपसे चिड़चिड़ा होकर बात करेंगे, या फिर वह आपसे थोड़ा सा बदतमीजी से भी पेश आते हैं, लेकिन वह आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि वह आप लोगों की भलाई ही चाहते हैं, वह आप लोगों की बुराई कभी नहीं चाहते हैं।
अक्सर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब आप जीवन साथी को फ़ोन लगाओगे, जब वो को बाहर रहेगा घर से, और जब आप उसे फ़ोन लगाओगे या आप जब बाहर रहोगे और आपके जीवन साथी घर पे रहेगी, तो अगर आप फ़ोन लगाओगे और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो बाद में आपके अंदर जो है ना एक गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या गुस्सा उत्पन्न होता है ना आपके जीवन में। परंतु आपको गुस्सा करने की वजह उनकी परिस्थितियों को समझना होगा कि आप भी कभी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, आप भी कभी कोई काम में रहते हो तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हो। इसलिए गुस्सा जो है ना वो आपको छोड़ना होगा। आपके मन में गुस्सा होता है और उनके प्रति प्रेम भी है, आपको भी प्रेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वह लगाव भी है आपको अपने जीवन साथी के साथ। इसलिए मेल झोल कर रहे हैं, रिश्तों में खटास पनपने ना दें, रिश्तों में आप खटास उत्पन्न ना होने दें और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जिम्मेदारियों को आप कभी भी ना छोड़ें। ऐसे में आप एक दूसरे को हमेशा स्पेशल फील करवाने में रहें, कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि आप उनकी कद्र नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। हमेशा यह महसूस करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा लगाव अपने जीवन साथी के प्रति रख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और बुराइयों को आप बिल्कुल भी एक दूसरे के बारे में बुराई ना आने दें। दोस्तों, यह वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए। मैं धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्यापारिक लव लाइफ सब के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ फिर से एक बार कहूँगा कि आप जो है वीडियो को कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ मेरी रक्षा करो, कष्टों से मुझे दूर रखो, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको आपकी परेशानी से दूर करने में आपकी सहायता करूंगा और अगली वीडियो में या फिर कमेंट में ही रिप्ले कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अगली वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी।